शुक्रवार से ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में राज्यपाल रमेश बैस का अभिभाषण हुआ। उन्होंने सदन में कहा कि झारखंड सरकार नीतियों में सुधार कर रही है, नए झारखंड के लिए सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। तो वहीं विपक्ष ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने झूठ का पुलिंदा पढ़वाने का काम किया है। देखिए, सबसे पहले मैं सारे तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग के बहुत अंतराल के बाद आज हम लोग की मुलाकात हुई है। एक नियम है, नियम के अंदर सरकार अपने आंकड़ों को राज्यपाल महोदय को देती है, राज्यपाल फिर अपने अभिभाषण में चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं। ये परंपरा चली आई है और जो पदाधिकारी आंकड़े देते हैं उसके आधार पर राज्यपाल का अभिभाषण बनता है। माननीय राज्यपाल फिर महामहिम राज्यपाल इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करते हैं। ये एक परंपरा चली आ रही है, मैं इस पर तो बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो आंकड़े सरकार के द्वारा दी गई है वो दिग्भ्रमित करने वाली है। सरकार ने कई ऐसे चीज़ों का उल्लेख किया है जिसका कोई सरोकार ग्राउंड रियलिटी में नहीं है। उदाहरण के तौर पर जब माननीय महामहिम राज्यपाल ने ये कहा कि नीति निर्धारण को लेकर सरकार सजग है, अब आप बताइए कि किस प्रकार की नीति बनी है कि एक भाषा से दूसरे भाषा को लड़ाने का काम सरकार कर रही है। आप बताइए कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग अनारक्षित वर्ग के खतियानधारी को बाहर निकाल दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जो बाहर से 10+2 करेंगे उनको यहाँ पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में अवसर नहीं मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार नीति निर्धारण के नाम पर गलत नीतियाँ बना रही है, एक भाषा भाषी से दूसरे भाषा भाषी को लड़ाने का काम कर रही है। सरकार ने ये कहा है कि 2 साल में हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है, अब आप बताइए कि जब बजट का आप 20-30% ही खर्च कर पाए हैं, बाकी 70% आपने खर्च ही नहीं किया है, तो किस आधार पर आप आधारभूत संरचनाओं को ठीक करने की बात कर रहे हैं? आप इसको आउटकम बजट कहते हैं, लेकिन आउटकम बजट का तभी मायने निकल के आएगा जब सरकार धरातल पे चीज़ों को ठीक करेगी। मुझे लगता है कि सरकार ने गलत आंकड़ा प्रस्तुत किया है सदन के अंदर। आपने 2 लाख खातों को कहा है, लाभुकों को कहा है कि ऋण माफ़ी हो गया है। आप गांव में जाके देखें कि कृषि ऋण अभी तक से अधिकतर लोगों का माफ नहीं हो पाया है, फिर ये 2 लाख का आंकड़ा कहां से सरकार ने उपलब्ध किया है, ये भी मेरे सोच के परे है। पेयजल में आपने कह दिया कि हम लोग 59 लाख घर के परिवार को आप नल जल से आच्छादित कर चुके हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि पूरे राज्य में 19% मात्र परिवार को ही नल जल से आच्छादित किया गया है। वहीं झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार ने कई लंबे चौड़े घोषणाएं की है, लेकिन आप बताएं कि 1 महीने का हर एक जिले में अमूमन देखा जा रहा है कि 1 महीने का जो राशन है वो सरकार कट मनी के नाम पर काट रही है और हर जिले में ये अमूमन देखा जा रहा है 1 महीने का राशन लैप्स हो चुका है। बिजली को लेकर सरकार कई वादों का उल्लेख कर रही है, लेकिन आप SLDC के नाम पर, आपको पता है कि पूरे झारखंड में पावर कट जो है वो एक आम चीज रह गई है, चाहे वो DVC क्षेत्र हो चाहे वो संथाल परगना क्षेत्र हो। मित्रों, आज सरकार ने महामहिम राज्यपाल के माध्यम से पूरी तरह झूठ का पुलिंदा अब पढ़वाने का काम किया है। मैंने उस पर विधानसभा की जो कार्य संचालन नियमावली 19(1) है उसके तहत मैंने संशोधन लाया और संशोधन लाकर सरकार का आंख कान खोलने का काम किया। मैंने मांग किया है अध्यक्ष जी से कि इस पर चर्चा कराएं और अब आप सोचिए संशोधन क्यों ना लाई जाए। पूरे राज्य में विधि व्यवस्था का गंभीर संकट है। मॉब लिंचिंग की एक घटना जिसमें रुपेश पांडे नामक 17 वर्षीय युवक की जघन्य हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर, अब सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपराधियों का समर्थन करने का काम कर रही है। पूरे राज्य में खनिज संपदा की लूट हो रही है, चाहे बालू हो, पत्थर हो, कोयला हो, उसकी लूट मची है। पूरे राज्य में विकास के कार्य ठप हैं। सरकार कहती है हमारे पास पैसे का अभाव है, वित्तीय अनियमितता है पूरी तरह से। बिजली का वैसे ही संकट है। अभी आने वाले समय में 1-1.5 महीने के बाद जब गर्मी परवान चढ़ेगा तो कल्पना करिए झारखंड की क्या स्थिति होगी। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, उसको लेकर मैंने संशोधन लाया है और मैंने आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष जी से कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी आप सोमवार के दिन हमारे संशोधन पर बहस कराने का काम करें।